नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सपोर्ट चैनल। और ये देखिए एक्वाग्रैंड आरओ मॉडल, और इसका स्विच ऑन है लेकिन एसएमपीएस में पावर नहीं आ रहा। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर शो नहीं हो रहा। अब मैं आपको चेक करके दिखलाता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट करना है कॉर्ड को बोर्ड से निकाल करके। कभी भी मिस्टेक से बिना कॉर्ड को बोर्ड से निकाले हुए आपको चेक नहीं करना है। और अब मैं देखता हूँ इसमें जो पावर आता है वो आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो ऐसा भी मिस्टेक नहीं करना है कि इसको छूने लगना है कि भाई चलो पावर नहीं आ रहा है तो यानी हम इसको छू सकते हैं। कुछ भी हो सकता है मिस्टेक, यानी स्विच सही है। डायरेक्ट करने के बाद भी इसमें पावर नहीं आया, आरओ सिस्टम ऑन नहीं हुआ। अब मुझे देखना है कि रियल में ये एसएमपीएस का ये फॉल्ट है या कुछ और। तो सबसे पहले इसके कॉर्ड को चेक करेंगे। कॉर्ड चेक करने के लिए मुझे इसका जो कैप है, वायर कैप, उसको मुझे खोलना पड़ेगा। और इसको दबाने के बाद ये इसमें से निकल जाएगा। ऐसे तो पहले बोर्ड को भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे देख सकते हैं इस बोर्ड में अभी आपको पावर सो रहा होगा। इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है बोर्ड। अब मैं इस कॉर्ड के वायर को मैं अलग करता हूँ। और फिर से मैं इसमें पावर देता हूँ। और इसको एक टेस्टर की हेल्प से मैं चेक कर लेता हूँ। और देख सकते हैं इसमें पावर नहीं आ रहा है। ये रेड वाला जो वायर है इसको पॉजिटिव मान कर चलते हैं और इसको निगेटिव, क्योंकि अभी मैंने इसको चेक किया तो इधर जो राइट साइड है उधर उसमें पॉजिटिव शो हो रहा था। और इधर एल लिखा है और इधर आर लिखा है। एल लिखा है इसका मतलब लाइट, और यही इस राइट साइड में लगता है, यानी ये जो रेड कलर का जो वायर है वही पॉजिटिव वायर है। तो इसमें करंट शो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल करंट शो नहीं हो रहा है, यानी कि ये कॉर्ड ख़राब है। अब देखना है इसको डायरेक्ट, मैं देखता हूँ इसमें लगा करके फिर ये ऑन होता है कि नहीं। तो ये तो खोल दिया गया है, मैं देखता हूँ डायरेक्ट। पहले हम ऑफ करते हैं और इस वायर को मैं ज़रा इसको मोड़ लूँ और फिर मैं इसमें लगाता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ ऑन करके। और देखिए आरओ सिस्टम ऑन हो चुका है और इसमें भी पावर आ चुका है। और देखिए आरओ सिस्टम चल रहा है, यानी कि एसएमपीएस बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन इसका कॉर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस कॉर्ड को मुझे चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए पहले इस कॉर्ड को इसमें से निकालना होगा। और मैं एक दूसरा कॉर्ड ले लेता हूँ। और ये है मेरा दूसरा कॉर्ड। और इस कॉर्ड के हेल्प से मैं इस आरओ सिस्टम को चलाऊंगा। तो सबसे पहले पीछे से इस वायर को लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये तो डायरेक्ट ऐसे घुसेगा नहीं, तो मुझे इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। इसको घुसाने के लिए और फिर मैं इस वायर को
इधर इन कर देता हूँ। और ये इधर आ चुका है। अब फिर से जैसे हैंग था वैसे मैं इसको हैंग कर देता हूँ। अरे हैंग हो चुका है। अब इस कॉर्ड का जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है उसको मैं जोड़ देता हूँ। और अब देखिए इसमें मैं एक इस ढंग से हल्का सा फोल्डर लगा देता हूँ ताकि वायर बाहर नहीं निकले। अब मैं इसका जो पॉजिटिव वायर है उसको इस पॉजिटिव वायर यानी रेड को रेड से मैं जोड़ देता हूँ। और इसमें मैं एक दूसरा कैप लगा देता हूँ। और ये जो इसका थिम्बल है अब मुझे इसका कनेक्शन करना है। तो इसको मैं इससे ऐड कर देता हूँ। इसका जो SMPS का जो एक ब्लैक कलर का वायर है नेगेटिव वायर है मैं उससे और फिर मैं ये जो कॉर्ड का ब्लैक कलर का वायर है और ये थिम्बल का जो SMPS का जो ब्लैक कलर का वायर है जो इस थिम्बल के थ्रू फिर इस वायर में कनेक्ट हो जाएगा। मैं उसको वैसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें जो एक्स्ट्रा वायर है मैं उसको कट करके इसमें एक कैप लगा देता हूँ। और इसका जो तार का ऊपर वाला सिरा है थोड़ा हम इसको मोड़ देते हैं ताकि ये अंदर में लूज होकर के प्ले न करें, नहीं तो उससे स्पार्किंग हो सकता है। अब मैं इसमें भी एक कैप लगाता हूँ। और इस वायर को मुझे पीछे से लाना है तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ पहले। और फिर मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ इस माइक्रो स्विच में। और इस पर भी ध्यान रखना है कि ये प्ले नहीं होना चाहिए। और अब मैं देखता हूँ इसको इस ढंग से घुमा के रखते हैं ताकि इसका कोई भी पाइप या पंप का पाइप इसमें टकराए नहीं। और ये RO सिस्टम बिल्कुल रन कर रहा है। और अब मैं इसका जो पोस्ट कार्बन फिल्टर है मैं उसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ जैसे ये पहले कनेक्ट था। और ये SMPS पहले पीछे रखा हुआ था तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ ताकि मैं इस एक्वागार्ड के पोस्ट कार्बन फिल्टर को आगे सही रूप से रख सकूं। पीछे रखने से SMPS ज़्यादा सुरक्षित रहता है।
और अब मैं इसका जो आउटलेट है पोस्ट कार्बन फिल्टर का, मैं उसको स्टोरेज टैंक के अंदर में इंसर्ट कर देता हूँ। और मैं अब देखता हूँ फिर से पावर दे करके, और देखिए ये बिल्कुल सही वर्क करने लगा है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।